18 महीने में 1.35 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन बनी हैं यूपी की महिलाएं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त हो रही हैं। वजह है रजिस्ट्री शुल्क और टैक्स में छूट ने महिलाओं की जिंदगी पर बड़ा असर डाला है। 1.5 साल में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए की जमीन, फ्लैट, घर, खेत व दुकान पर महिलाओं का मालिकाना हक हुआ है। उत्तर प्रदेश में गिफ्ट डीड और महिलाओं के नाम रजिस्ट्री में आंशिक छूट का ही परिणाम है कि संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष 2022 में करीब 10.29 लाख प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम की गई। इतनी संपत्तियों की सरकारी कीमत 92,000 करोड़ रुपए है, जिस पर सरकार को करीब 5,728 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिल चुका है। वर्ष 2021 में लगभग 10.22 लाख संपत्ति महिलाओं के नाम की गई थी, जिनकी कीमत लगभग 87,000 करोड़ रुपए थी। तब भी सरकार को 5,453 करोड़ रुपए का राजस्व स्टैम्प के रूप में मिला था। इस साल अभी तक करीब 4.67 लाख रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो चुकी है, जिसकी कीमत 43,000 करोड़ रुपए है। यानी पिछले 1.5 साल में 1.35 लाख करोड़ और 2.5 साल में 2.22 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पर महिलाओं का हक हो चुका है। साफ है कि संपत्ति में महिलाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। विभाग का मानना है कि इस साल ये नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा।